अंकिता को किसने किया रिजेक्ट? क्या बिग बॉस में इतना लाइमलाइट, बटोरने के बाद भी अंकिता की दाल नहीं गली? और क्या विक्की के साथ लड़ाई झगड़े की एक्टिंग भी काम नहीं आया? आखिर क्या वजह है कि अंकिता को रिजेक्शन झेलना पड़ा? और कौन था वो जिसे अंकिता पसंद नहीं आई? हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी गार्गी और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। अरे रुकिए रुकिए, पूरी बात तो सुन लीजिए। ये ऊपर जो पूरी भूमिका हमने दिखाई, ये थोड़ी बहुत तो सच है। गॉड प्रॉमिस। देखो, झूठ तो मैं बोलते नहीं, माता रानी की कसम, अंकिता को रणदीप हुड्डा ने अपनी फिल्म वीर सावरकर के लिए रिजेक्ट कर दिया था। बट वाई, लेट्स फाइंड आउट। जी हाँ, ये बात 100% सच है। बिग बॉस फेम अंकिता लोखंडे को रणदीप हुड्डा ने अपनी फिल्म में लेने से इनकार कर दिया था। वो नहीं चाहते थे अंकिता किसी भी हाल में फिल्म का हिस्सा बने। पर क्यों? ये सवाल खुद अंकिता ने भी रणदीप से पूछा, क्योंकि उनको यकीन नहीं हो रहा था कि स्क्रीन टेस्ट पास करने के बाद भी रणदीप क्यों अंकिता को फिल्म में लेने से मना कर रहे थे। इट्स नॉट दैट कि उनकी एक्टिंग में कमी थी या बिग बॉस के बाद उनको लोगों ने पसंद करना बंद कर दिया था, या आप ये भी सोच सकते हैं कि रणदीप की कोई पर्सनल दुश्मनी थी, लेकिन इनमें से कुछ नहीं था। वजह थी बड़ी ही खूबसूरत, बिकॉज शी वॉज टू प्रिटी फॉर द रोल। सिर्फ प्रिटी ही नहीं, शी वॉज टू यंग फॉर द रोल। जी हाँ, रणदीप को लगता था यमुना बाई सावरकर के किरदार के लिए अंकिता वॉज टू प्रिटी। साथ ही उनको लगता था कि कितना भी उनका मेकओवर कर लो, लेकिन अंकिता को साधारण सी महिला के रूप में दिखा पाना मुश्किल होगा। Isn't it the reason too cute? अंकिता लोखंडे ने इस खुलासे का खुलासा किया अपनी फिल्म के प्रमोशन के दौरान, जब दोनों पुणे के एक इवेंट में पहुंचे। रणदीप ने अपनी फिल्म शुरू करने से पहले इस कैरेक्टर और उनकी लाइफ और परिवार को लेकर काफी रिसर्च की थी। उनको अच्छे से मालूम था कि उनको क्या चाहिए, कैसा कैरेक्टर चाहिए और उस कैरेक्टर के लिए किसको लेना है। रणदीप को ये भी पता था कि यमुना बाई सावरकर का किरदार किस तरह का है और उनका लुक क्या होना चाहिए। शी वॉज द सक्सेसफुल वुमेन बिहाइंड ए सक्सेसफुल मैन। शायद इसीलिए वो अंकिता को फिल्म में लेने से हिचक रहे थे। लेकिन अपनी एक्टिंग के जरिए अंकिता ने रणदीप के डर को भी दूर कर दिया। उन्होंने ऐसा लुक लिया और ऐसी एक्टिंग की कि खुद रणदीप भी अंकिता के फैन हो गए। आज ये फिल्म पूरी तरह से तैयार है और जल्द ही बड़े पर्दे पर दिखने वाली है। वैसे किसी ने सच ही कहा है, डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। बाकी ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करें श्रेष्ठ भारत को। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।